वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम इच्छा मिश्रा। ये हमारे यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें हम जीएस 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हमने जीएस 1 कंप्लीट कर लिया है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, अगर कुछ और होंगे तो हम उनको बीच में ले लेंगे। फिलहाल हम जीएस 2 के क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी, एचसीएस के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इनको ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनके संबंध में आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल व्हिच रिफ्लेक्ट द पर्पस बिहाइंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के उद्देश्यों की व्याख्या करें जो भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के पीछे के आशय को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा, तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताना होगा, हमको बताना होगा थोड़ा सा प्रीएम्बल क्या है उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन में बताना होगा, और जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें हमको ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना जो है ये एक परिचयात्मक दस्तावेज है, यानी कि एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जो संविधान के उद्देश्यों के बारे में हमको बताती है, और ये संविधान सभा के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों का प्रतीक है, यानी कि ये हमारे बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज जो है रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको भी ये प्रदर्शित करती है। तो ये छोटा सा आपका 2 लाइन का इंट्रोडक्शन इनाफ होगा, अदरवाइज प्रीएम्बल के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं अपने मेन बॉडी पार्ट में। तो मेन बॉडी पार्ट में हमको ऑब्जेक्टिव जो है प्रस्तावना के उद्देश्य उनके बारे में बताना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हैं ये हमारे प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। तो देख लेते हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस किसकी बात की जाती है, अगर आप प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए वैसे तो अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं बता देती हूँ, जब आप जस्टिस वाला पॉइंट पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, किस कौन कौन सी जस्टिस होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो किस पे एम करते हैं, जस्टिस पर, और एम करते हैं एलिमिनेट करना इनइक्वालिटीज़ को और इक्वल राइट्स प्रदान करना। जब हमें इक्वल राइट्स मिलेंगी तभी सही मायनों में जस्टिस हो पाएगी, और इक्वल राइट्स मिलेंगी और जो भी भेदभाव है वो असमानताएँ हैं वो खत्म होंगी, तभी जो हमारा न्याय वाला ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। और ये फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से ये निश्चित किया गया है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई पड़ता है प्रस्तावना में वो कौन सा है, लिबर्टी का। और लिबर्टी किसकी बात की जाती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के में बारे में बात की जाती है। और ये हमें कैसे प्रदान की गई है, संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है आर्टिकल 19 में। और उसी प्रकार जो आर्टिकल्स 25 से 28 है इसमें हमें किसकी स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है इन आर्टिकल्स के अंतर्गत, यानी कि ये हमारे जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये हो गए दोनों ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रोवाइड करना। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी कि स्थिति और अवसर की समानता की बात की गई है, और ये हमें कौन से आर्टिकल्स के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ें तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स
14 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। वैसे ही आर्टिकल 39 जो है वो फोकस करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, और आर्टिकल 325 और 326 जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि मताधिकार का जो अधिकार है, मत का अधिकार वो प्रदान करते हैं भेदभाव के बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता। तो प्रियम्बल जो है ये डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी जो होगी ये दो चीज़ें एश्योर करेगी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये किसके माध्यम से संविधान में दी गई है, जो प्रियम्बल में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें बताया गया है फ्रेटर्निटी के बारे में, तो ये हमारी सिंगल सिटीजनशिप जो है ये बंधुता को प्रमोट करती है और साथ में हमारे यूनिटी और इंटेग्रिटी नेशन की इसको भी बनाए रखती है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने देख लिए हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, राइट। उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं इस प्रकार, संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि जो प्रियम्बल है ये मूल संवैधानिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, यानी कि रिफ्लेक्शन है, जो संविधान का प्रतीक है, यानी कि द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन टू द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट एम्बॉडी द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है और इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में हैं, वो सारी बातें हमने प्रियम्बल में निचोड़ कर रख दी हैं एक तरह से, ठीक है, और उन्हीं को हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से विस्तारित रूप में बताया है। तो ये लाइन का मतलब हुआ थोड़ा सा, इस तरह से हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। ये भारत को लोगों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, यानी कि ये क्या डिक्लेयर करता है, इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो किसके लिए कमिटेड है, जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी ऑफ द पीपल, इसके लिए ये पूरी तरह से कमिटेड है। देखिए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको इनके बारे में तब बताना होगा जब नेचर हमारा पूछा जाएगा, तब हम बताएंगे इनके बारे में, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे जो हमने डिस्कस किए हैं चार, वो ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे प्रियम्बल के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।